हेलो व्यूअर फैमिली, स्वागत है आप सभी का व्यूअर ब्रदर्स के एक और नए व्लॉग में। और ये व्लॉग पूरा देखना क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ आज एक स्पेशल समर सेल के बारे में, जहाँ आपको मिल सकता है एक ब्रांड न्यू आईफोन 15, वो भी सिर्फ एक रुपए में। क्यों विश्वास नहीं हुआ ना, तो दोबारा सुनो, आईफोन सिर्फ एक रुपए में। जानने के लिए बस व्लॉग देखते रहो। चलिए तो अभी नीचे चलते हैं और देखते हैं सब क्या कर रहे हैं। एंड बाय द वे, व्लॉग के टाइटल से आपको पता चल गया होगा, थंबनेल से भी, कि भाई आज हमारा प्लान क्या है। तो भाई फाइनली आज हमारी साइकिल आने वाली है जो हमने बुक की थी। और अंधेरा भाई हर जगह है, शाम होने आई है। लाइट चालू करो सब, क्यों इतना अंधेरा अंधेरा। ओहो, ये क्या है, निकल दिया यहाँ से क्यों? ऐसे ही थोड़ा साफ सफाई करने वाली थी ना शाम को, तो मैंने बोला निकाल के सब कुछ साफ सुफ करूँ अभी। और तो ये अच्छे से रखती, फिर दिवाली में और उसमें काम आएगा वापस, दिवाली पूजा में सब में। हाँ, सब पूजा में काम आएगा। ओ ओ ओ ओ भाई, ओए ओ, मैं ऑलरेडी लगा के आया हूँ भाई। क्या लेकर आया? ये तेरा फेवरेट भाई। इतने सारे डियोर, ये क्या है भाई? ये मैसूर सैंडल सोप। कौन आएगा इससे? मैं आता हूँ ना इससे। बस हो रहा है मस्त, जो सो रहा है नहीं देखो। अच्छा, जाग रहे हो बा, जय श्री कृष्ण बा। भजन का टाइम है, भजन का, भजन का नहीं भोजन का, हलवा का टाइम। अच्छा, भोजन सीरा का टाइम है, बा सीरो खावानो। पर्दा खोल दो मस्त। रिद्धि जोशी क्या आया? हाँ पार्सल, अच्छा हुआ व्लॉग में दिख गया भाई। मैं आजकल मम्मी के लिए कुछ मंगा रही हूँ वो चीजें। हाँ पेमेंट डालो, कैश करो, कैश कैश नहीं, कैश नहीं, यूपीआई यूपीआई। मेरे सारे पैसे ना इसमें ही खत्म हो जाते हैं। लो मम्मी, फिर आप बोलते हो भैया, हाँ फिर आप बोलते हो भैया डिफेंडर लो, कैसे लूंगा, पैसे इसमें ही चले जाते। कितने का है आप पूछो। भैया ने पहले है ना गलती से मेरे को बोला 3,000 रुपया। मैंने बोला इतना सारा क्या मंगवा लिया? फिर बोला नहीं नहीं गलती से बोला 332। मैंने सोचा 3,000 और 332 में किधर गलती हो गई। वाह 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 वाह, सो अच्छे सरस है ना सीरो, खाई लो खाई लो। अरे वाह, क्यों छे सीरो, क्यों छे सरस छे। चलिए अब बात करते हैं आपको कैसे मिल सकता है आईफोन 15, वो भी सिर्फ एक रुपए में। सीक्रेट है आपका क्रिकेट का क्रेज। 3 अप्रैल को टाटा IPL का मैच है कोलकाता वर्सेस दिल्ली के बीच। मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो My11 सर्कल ऐप और टीम बनाओ। टीम बनाने के लिए आपको दोनों टीम से 11 बेस्ट प्लेयर सिलेक्ट करना है और उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे। आपके जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतने ही बड़े प्राइजेस आपको मिलेंगे। और अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो इस ऐप के एक्सपर्ट टीम के सेक्शन से जाके टीम कॉपी कर लो, डाउनलोड करके गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और तो आईफोन 15। इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस सिर्फ एक रुपया है और ये कॉन्टेस्ट सिर्फ 3 अप्रैल के मैच के लिए ही वैलिड है, सिर्फ अपनी विवा फैमिली के लिए ही है और मेरे दिए हुए लिंक से ही एक्टिवेट होगा। टाटा IPL के हर मैच में मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो जिसमें फर्स्ट प्राइज मिनिमम 1 करोड़ है, तो सोचो और कितने बड़े प्राइजेस होंगे। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके डाउनलोड करो और वहाँ जाके यूज करो मेरा कूपन कोड, जिसे डिपॉजिट करते ही आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश। मैंने तो अपनी टीम बना ली है, अब आपकी बारी है My11 सर्कल पर टीम बनाने की कोलकाता वर्सेस दिल्ली के लिए। और हाँ, इस बार My11 सर्कल ऑफिशियल पार्टनर भी है टाटा IPL का। बा जय श्री कृष्ण बा। मैंने एक बार ऑलरेडी कर दिया है, बा को लिख के भी दिया है कि हम किधर जा रहे हैं, लेकिन ये आपको दिखाने के लिए व्लॉग में फिर से बाई कर रहा हूँ। बा को आशीर्वाद लेने जा, नजदीक जा भाई। मैंने ऑलरेडी ले ली है। अच्छा, ले ली दूसरी बार? दूसरी, हाँ, जब तक बाल नहीं बिगड़ते ना तब तक आशीर्वाद नहीं मिलता। एक बार तो मैं ठीक करके आया हूँ मेरे बाल को। बा बोल रहे बद्दी मननी इच्छा पूरी थाई, मतलब विशु की सारी उसके मन में जितनी भी इच्छा है ना सब पूरी हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं। चलो पापा मम्मी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण रिद्धि, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। रिद्धि को पैकिंग करना है ना मुंबई का, इसलिए नहीं आ रही है। ऑलमोस्ट हो गया मेरा, हाँ, लेकिन एक बैग बाकी है ना, एक बैग बाकी है। मेरी बीवी को तिरछी आंख से, मेरी बेटी है तेरी बीवी तो बाद में। अच्छा, ये किधर से आ गया? ये तो है तो। क्योंकि पूरा दिन मैं उनके साथ ही रहती हूँ। ठीक है, और इस इंसान के साथ? वो हमारे ही है, बच्चे जैसे है। चलो जय श्री कृष्ण बताना। जय श्री कृष्ण। चल विशु, चलो गाड़ी, गाड़ी तो तू चलाएगा, तो फिर बॉटल पकड़ धीरे। चलो साइकिल कैसे लाएंगे, गाड़ी में या फिर भाई ऑटो में? इसमें लेकर आते हैं ना, वो लेकर आना ऊपर से रग। नहीं यार भाई, ऑटो में लाएंगे ना, नई साइकिल है भाई। अरे तो नई साइकिल तो अच्छा है ना, गाड़ी में संभाल के लेकर आएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऑटो में ही लाएंगे भाई। ऑटो में स्क्रैच वैच गिरता है ना, मेरा जी जल जाएगा। एक तो इतनी महंगी साइकिल पहली बार ले रहे हूँ। चलो रिद्धि जय श्री कृष्ण, मम्मी जय श्री कृष्ण। बहुत टाइम के बाद ऐसा हो रहा है ना कि अल्टुरस आगे स्कॉर्पियो पीछे। तो अभी हम जा रहे हैं तपन को पिक करने के लिए, विजय उसकी शॉप से डायरेक्ट आ रहा है, क्योंकि आज मैं सिर्फ साइकिल नहीं लेने वाला हूँ, विजय भी लेने वाला है ना।
हमारे घर पे तो आएगी आएगी। एंड बाय द वे जो साइकिल ले रहा है ना वो ऐसा नहीं है कि भाई मेरी है या विश्व की, हम दोनों के बीच में ले रहे हैं, क्योंकि जिसको मन करेगा जिसको खुजली काटेगी वो साइकिल लेके जाएगा। और भाई देखते हैं अभी इस बार तो अमिता भाई बोल बोल के ले रहे हैं साइकिल, अभी मैं तो कर रहा हूं कंटिन्यू रहेगा हमारा साइकिल, वो तेरा मैं तो कर रहा हूं कंटिन्यू। तो भाई इसलिए फिलहाल एक ही ले रहा है। अगर फिर आगे जाके ऐसा हुआ कि भाई हम दोनों रेगुलर जा रहे हैं साइकिलिंग के लिए तो फिर हम दूसरी लेंगे भाई, लेकिन दूसरी लेने का प्लान है, कौन सी ले सकते हैं वो भी सोच के रखा है, लेकिन अभी विश्व का उतना श्योर नहीं है ना कि कितनी चलाएगा कितना नहीं। मेरा तो भाई एकदम डबल श्योर हो गया है और इतने टाइम से मैं चला रहा हूँ, इतने दिनों से तो मैं भाई दिमाग से इतना श्योर हो चुका हूँ कि भाई अभी मैं आगे चलाऊंगा ही चलाऊंगा, और फिटनेस मेरी लाइफ में लानी जरूरी थी और वो चीज के लिए मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो भाई अगर मन ना भी हो या कुछ भी हो लेकिन साइकिल चलानी है रोज, वो चलानी है। तो इसी के लिए भाई फिलहाल तो एक ले रहा है साइकिल, क्योंकि भाई बहुत महंगी भी आती है ना भाई और ये हमारी लाइफ की सबसे महंगी साइकिल है। तो अभी कुछ दिन देखेंगे, विश्व अगर चलाएगा उसको मजा आएगा तो फिर और एक लेकर आएंगे। और आप सोचोगे कि भाई आपके पास ऑलरेडी एक फैट बाइक तो है, तो भाई वो फैट बाइक आपको भी पता है कि कैसी चलती है। एक्चुअली वो है ना ऐसे गेड़ी मारने के लिए या फिर ऐसा शौक के लिए चलाने के लिए ठीक रहती है, लेकिन भाई उसको लेकर लंबा कभी जाना हो ना, आप सोचो कि 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलाऊं तो भाई वो नहीं चल पाती। इसलिए भाई अभी ऐसा प्लान है कि फैट बाइक शायद हम निकाल रहे हैं, शायद क्या श्योर ही निकाल देंगे ना। हाँ भाई, क्योंकि वो तो चलाने में मजा ही नहीं आता है ना। हाँ, तो अगर किसी को हमारी फैट बाइक चाहिए गेड़ी मारने के लिए तो क्या करना है? डीएम इंस्टाग्राम पे पक्का बेचनी है। आजा, कैसा है भाई? बस बढ़िया। क्या बोल रहा है? साइकिल नहीं लानी है रिटर्न में? लानी है ना, तो रिक्शा में विश्व बोल रहा है ऑटो रिक्शा में लेकर लाएंगे। अच्छा हाँ जी, तो ये बोल रहा था कि अगर किसी को मेरी फैट बाइक चाहिए, कोई वडोदरा से हो या फिर वडोदरा के आसपास से हो, भाई देखो साइकिल तो अपनी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन एक चीज है कि भाई वो साइकिलिंग के तौर पर आप नहीं यूज कर पाओगे। तो भाई जिसको भी चाहिए वो ऐसा सोच के मत लेना कि भाई आप इसको चला कर या इसको लेकर बहुत दूर दूर तक जाओगे, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर। भाई ये है ना ऐसे सोसाइटी में चलाने के लिए या फिर ऐसे स्कूल क्लास अगर पास में हो तो नजदीक में जाने के लिए वैसे चीज के लिए ठीक है, बाकी प्रॉपर साइकिलिंग करने के लिए नहीं ठीक है, क्योंकि भाई इसमें बहुत दम लगता है, जोर बहुत लगता है, इतना भी नहीं जितना मैं बोल रहा हूँ, लेकिन भाई लंबा जाओगे ना तो आपको पता चलेगा। बाकी चल तो सकती है, ऐसा नहीं कि साइकिल है तो चली नहीं सकती। तो जो भी है भाई आप डीएम करना, आप मेरे को भी डीएम कर सकते हो, मेरा भी पता है आपको Akash Joshi88, विश्व को भी डीएम कर सकते हो Vishwa_Joshi_official तपन को भी कर सकते हो, क्यों नहीं करते, तेरे को भी करेंगे ना भाई, तपन को भी करना, विजय को भी कर सकते हो, लेकिन विजय ना किसी को रिप्लाई भगवान जाने देगा कि नहीं, वो भाई पैसे छापने में से फ्री नहीं होता है बंदा। और प्राइस क्या रखी है सोच के वो सब आपको उधर बताएंगे जब मैसेज आएगा। और भाई खाली खाली पैसे परेशान करने के लिए मैसेज मत करना, सच में जिसको साइकिल चाहिए वो मैसेज करना, ठीक है? डन, ओके। चलो भाई अभी पहुंचते हैं फटाफट साइकिल की शॉप पर और दिखाते हैं हमारी नई साइकिल। सबसे पहले उसको अनबॉक्स भी करना पड़ेगा ना जी। ये बिल्डिंग कितनी सही दिख रही है ना विशु, मस्त बनाया है। क्या बोल रहा है तपन? यस, अच्छा दिख रहा है ना? अच्छा सही है भाई, ऐसी सब बातें हम क्यों कर रहे हैं ना, बिल्डिंग अच्छी है अच्छा हो अच्छा पता नहीं भाई, जो भी अच्छा दिखता है तारीफ करने में क्या बुराई है। भाई साहब इधर क्या झोल हो गया है, इधर हम उजाले उजाले में इसलिए आए, बाकी हम आराम से शाम को भी आ सकते थे थोड़ा लेट, कि भाई उजाले में है ना अच्छा व्लॉग बने। और अभी इधर हालत क्या है वो दिखाओ, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सारी लाइटें बंद है, सारी शॉप्स ऑफिस सब की बत्तियां गुल है। ये लो जी पहुंच गए हम द साइकिल जोन। सुको जो हमारा स्वागत मत जोरदार, तमे अजवाड़ू करीने बैठा जो लाइट हमारा बंद चालू थाई छे, अपनी साइकिल तो बताएंगे तब बताएंगे, लेकिन पहले ये देख लो भाई जो विशु की थी ना, जो अभी विजय यूज करने वाला है भाई, वो साइकिल बिल्कुल रेडी हो चुकी है भाई, बॉक्स के साथ थंबनेल ले लिया है। और वीरल भाई को स्पेशल थैंक यू, क्योंकि उन्होंने मेरे कहने पर बॉक्स ओपन नहीं किया था, नहीं तो भाई वो तो रेडी करके रखने वाले थे साइकिल, लेकिन मैंने बोला था भाई थंबनेल एक मस्त आ जाए ना, उसके बाद आपको फिर जो करना है करना। देख लो एक बार फ्रेम। अरे भाई साहब, तो ओ भाई, अरे ओ भाई साहब, ये तो साइकिल मंगवाई थी, ये क्या लेकर आ गया ये क्या दे दिया? अभी इसको असेंबल करने में कितना टाइम लगेगा आपको? 15 से 20 मिनट बस। चलो तो फटाफट रेडी करो फिर चला के देखेंगे कौन सा मॉडल लिया है, क्या है, वो सारी डिटेल्स एक बार असेंबल हो जाने दो इसको, फिर देते हैं। ये लो जी मारवाड़ी भी आ गया, सॉरी मेवाड़ी, मेवाड़ी मारवाड़ी नहीं है भाई, मेवाड़ी आ गया, मेवाड़ी भाई आदत हो गई ना मारवाड़ी बोलने की। देख, चल पहले तेरी साइकिल दिखा देता हूँ तेरे को। अरे तू फैट बाइक ले, किसको लेनी है? मैंने आज ही बोला व्लॉग में किसी को चाहिए तो किसी को चाहिए, अब तो चलो भाई डील हो गई। हाँ वो बात में बात करेंगे, पहले तेरी साइकिल तो देख तू, ये देख। अरे किधर टायर वायर नहीं डाले देख। अरे आप ऐसे हंसो मत, उसको लगेगा हम कुछ और ही करवा रहे हैं उसके साथ। अपनी साइकिल इधर असेंबल हो रही है,
और भाई मेरे को है ना बहुत धक धक कर रहा है, एक भी स्क्रैच नहीं गिरनी चाहिए, ऐसे करना आप प्लीज। भाई साहब जबरदस्त है, जब लाइट आएगी ना भाई, इलेक्ट्रिसिटी आएगी तब आपको अच्छे से दिखाएंगे, अभी तो आपको इसका कुछ समझ में नहीं आएगा। फाइनली भाई इलेक्ट्रिसिटी आ गई और हमारी साइकिल भी ऑलमोस्ट असेंबल हो गई है। भाई अपनी साइकिल में ना अभी फिटिंग में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, तो अभी कल पिक कर लेंगे क्योंकि भाई टाइम बहुत ज़्यादा होगा और ऑलमोस्ट अभी 8:30 बज गए, दुकान भी उनको 9 बजे बंद करनी होती है, 9 बजे क्या 9:45 ही रोज़ बंद कर देते हैं, तो भाई मेरे को भी ऐसा लगेगा भाई आराम से करेंगे ना तो मज़ा आएगा। लेकिन आज विजय की साइकिल आ रही है मेरा मूड ऑफ हो गया यार, साइकिल ही नहीं हमारी आई। मूड तो मेरा भी ऑफ हो गया यार, कितने ऐसे मतलब मन बना के निकले थे कि नई साइकिल घर पे लेकर जाएंगे, लेकिन भाई होता है ना बहुत सारी बार, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, भाई आप भी रिलेट कर पाओगे, ये चीज़ होती होती है। लेकिन भाई इससे दिल छोटा नहीं करना चाहिए, ऐसा सोचना है कि भाई अपनी चीज़ और भी परफेक्शन के साथ घर पे आएगी। क्या सोच कर आए थे और क्या लेकर जा रहे हैं? हम नहीं लेने आए थे, पूरा नहीं लेकर जा रहे, आए थे और पूरा नहीं लेकर जा रहे। अरे किधर से पूरा नहीं, दूसरी सर्विस होकर आई ना हमारी। हम इसलिए खड़े, इधर विजय को चाय पीनी है, नहीं पिएगा पिएगा जो भी है भाई। तो अभी इधर से जब रिक्शा विरल भाई ने बुलाई है तो रिक्शा जब आएगी विजय की साइकिल उसमें चढ़वा देंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। अरे पहले गाड़ी लगाओ ना यहाँ, पाछड़े से पाछड़े तो नाम भूल गया, वो लगाओ वो लगाओ, आगे लगाओ कलर वलर उखड़ से तो ना ना कहीं नहीं पाकू ऊपर से साइकिल नवी ले आपकी पड़ से तुम्हारे तो फाइनली भाई विजय की साइकिल अभी जा रही है विजय के घर पर और उसके बाद हम जा रहे हैं अपने चाय नाश्ता है। अच्छा आ गया, अरे विरल भाई लो लो लो, हमने जहाँ सेट था अपने तो हरता पड़ता है चाय। अरे फाइनल ये प्लान बनाए, चाय तो भाई ये विजय के लिए ली थी लेकिन एक घुट मार के चला गया विरल भाई ने, एक पी चाय और कोई पी नहीं रहा है तो भाई मेरे को ही पीनी पड़ेगी। तू पहुँच हम आ रहे, तो अभी भाई चाय खत्म करके हम जाएंगे विजय को पिक करेंगे और फिर हम लोग जाएंगे किधर भाई? फौजी, हर बार होता है ना भाई फौजी, वैसे बहुत टाइम से नहीं गए और एक चीज़ आपके साथ शेयर करना रह गया भाई, अभी है ना लास्ट टाइम जब गए थे ना मेरी दी सिर्फ दोनों लोग गए थे और उस दिन मैं व्लॉग नहीं कर रहा था, लेकिन उस दिन एक फैमिली मेरे को मिली थी, वो अहमदाबाद से आई थी उधर फौजी के पास, तेरे को बताया था ना मैंने। हाँ। तो भाई ऐसा हमारे अंदर इतना बिलीव रखते हैं उसके लिए थैंक यू कि भाई हमारे बोलने पर आप खाना खाने के लिए भी मेरी ही बोली जगह पर जाते हैं। आ जाना है तो चलो हम उधर ही जा रहे हैं। एडवांस में क्या, कोई बात नहीं, इतना एडवांस में तो हम खुद नहीं डिसाइड करते ना। कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट टाइम प्लान करना भाई। फौजी के ढाबे का है ना, इधर भी हमने प्रमोशन कर दिया है, इतनी सारी जगह प्रमोशन करते हैं लोग, कहाँ कहाँ से आते हैं पता है विरल भाई? मेरे कहने पर लोग अहमदाबाद से भी इधर आते हैं वो जगह पर खाने के लिए, तो सोचो कितनी अच्छी होगी। चलो मढ़िया विरल भाई, चलो भैया आप यही सोच रहे हो ना कि भाई अभी तो ढाबे पर जाकर खाने की बात कर रहा था और अभी घर पे कैसे आ गया, तो मैंने ये सोचा था कि अभी आगे का व्लॉग ना जब साइकिल की डिलीवरी वापिस हम लेने जाएंगे ना उस वक्त करूंगा और वो सारा का सारा आपको एक ही व्लॉग में दिखा दूंगा। लेकिन अभी घर पे आने के बाद ना मेरे को एक थोड़ी हल्की सी बैड न्यूज मिली है कि भाई अपनी जो साइकिल है ना वो ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी सी ऐसी डैमेज हो गई है। वो चीज़ पता चलने के बाद ना मेरे को भी थोड़ा कम मन हो रहा है कि मैं एग्जैक्टली पर्टिकुलर वो पीस मैं खरीदूँ। इसमें ना कंपनी की गलती है, ना जो शॉप पर मैं जहाँ से साइकिल ले रहा हूँ उनकी गलती है, क्योंकि भाई ये सारा का सारा जो गड़बड़ है ना वो ट्रांसपोर्टेशन में हुआ है। तो भाई 2-3 जगह से ना उसका पेंट निकल गया है क्योंकि अच्छी तरीके से पैकिंग नहीं हुआ था और पार्ट्स है ना सब अंदर एक दूसरे से टच होकर पूरा ऐसे स्क्रैचेस वैचेस भी बहुत सारी जगह गिरी है। वो सब कुछ अच्छे से जब निकाल के देखा ना तब जाके पता चला। तो अभी इतनी एक्सपेंसिव साइकिल ले ही रहा हूँ तो भाई फिर छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना। तो इसीलिए फिर विरल भाई को मैंने बोला कि आप रिप्लेस करवा दो अगर हो सकता है तो भाई उन्होंने बोला है कि हो जाएगा, टेंशन मत लो, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो भाई अभी मेरे को और शायद 10 दिन वेट करना पड़ेगा, उसके बाद साइकिल आएगी। भाई क्या सोच के गए थे कि भाई हम मस्त जाएंगे साइकिल लेकर आएंगे, चलो वो नहीं हुआ, फिर ऐसा लगा कि चलो आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ, पता चला कि भाई ये पीस में ही गड़बड़ है, पेंट है ना एक दो जगह से डैमेज हो गया है, तो फिर पूरा एक्साइटमेंट है ना उधर ही खत्म हो गया हमारा। तो भाई अभी फिलहाल तो बहुत दर्द कर रहा है यार। हाँ जी, तो फिलहाल अभी वो पर्टिकुलर साइकिल हम नहीं ले रहे, वैसे मॉडल तो वही लेना है मेरे को, दूसरी मंगवा के देंगे विरल भाई तब उसकी डिलीवरी ले लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए भाई हमने जो साइकिल अनबॉक्स की थी वो वापस उसका भी विरल भाई क्या जुगाड़ करते हैं मेरे को आइडिया नहीं है, शायद कंपनी में वापस भेजेंगे या फिर पता नहीं उनको और क्या उसके लिए रास्ता निकालना पड़ेगा, लेकिन बोल रहे हैं कि भाई मैं संभाल लूँगा मेरी ओर से।
तो अभी वो देख लेंगे क्या करना है, लेकिन भाई वो साइकिल हम नहीं ले रहे हैं। अभी वो कंपनी में बात करेंगे, कंपनी क्या रिप्लाई करती है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली तो ऐसा है कि भाई पॉजिटिव रिप्लाई ही आएगा, क्योंकि इसमें किसी की गलती नहीं है ना, ना कंपनी ने तो चलो ठीक ठाक भेजी, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो अच्छे से पैकिंग नहीं किया। तो भाई हो सकता है कि भाई उनकी गड़बड़ की वजह से हुआ हो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में तो बहुत सारी साइकिल आती है ना, तो भाई एक क्यों डैमेज हुई। चलो जो भी है वो हमको नहीं सोचना है, लेकिन एक चीज़ है कि भाई हमको वेट करना है, तो भाई अभी 10 दिन वेट कर लेंगे। अभी एग्जैक्टली हमने कौन सा मॉडल लिया है वो तो आपको शायद थोड़ा बहुत दिख गया होगा, अगर नहीं दिखा है तो भाई टेंशन मत लो, जिस दिन डिलीवरी लेंगे ना तब उसका प्रॉपर स्पेसिफिकेशन बताएंगे और कौन सा मॉडल है, कितने का लिया, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, वो सारी चीज़ें बताएंगे। वैसे मेरे को ऐसा ही था कि इसी व्लॉग में बताऊं, लेकिन अभी डिलीवरी नहीं लिए तो क्या बोलूं मैं आपको, और पूरा मेरा प्लान चौपट हो गया भाई। पहले ऐसा प्लान था कि इसी व्लॉग में आपको डिलीवरी भी दिखा दूं, फिर ऐसा प्लान हुआ कि भाई चलो कोई बात नहीं, इसी व्लॉग में दिखाना है तो भाई आज नहीं हुआ तो व्लॉग आधा शूट करता हूं, उसके बाद का फिर जब डिलीवरी लेने जाएंगे तब शूट करूंगा और पूरा एक में दिखा दूंगा। लेकिन अभी 10 दिन वेट करना है ना, तो भाई इतना लंबा तो मैं व्लॉग डिले कर नहीं सकता, तो इसलिए भाई हमारी ये वाली डिलीवरी अधूरी रखते हुए आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके माई 11 सर्कल डाउनलोड करना ना भूले, जहां से आपको मिल सकता है आईफोन 15 सिर्फ 1 रुपए में, और जीतिए 1 करोड़ रुपए, एसयूवी कार्स एंड और भी बड़े प्राइजेस, और तो और फर्स्ट डिपॉजिट पर 20% एक्स्ट्रा कैश पाए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मेंशन है। और आपको आज का ये व्लॉग कैसा लगा हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।